गुड मॉर्निंग बच्चों, कक्षा सेकंड। आज हमारा पाठ्य पुस्तक का पहला लेसन है जागो प्यारे। पिछली वीडियो में हमने जो लेसन पढ़ा था वो हमारा व्याकरण का था, ग्रामर का था, ठीक है। और इसके लिए आपको अलग से नोटबुक लगा के उसमें करना है, क्योंकि इस नोटबुक में हम पाठ्य पुस्तक के लेसन करेंगे तो उनके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो हमारा पहला लेसन है जागो प्यारे। उठो लाल अब आँखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो। बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले। कि अब एक माता अपने बेटे को उठा रही है, सुबह हो गई है, वो क्या बोल रही है, उठो लाल। लाल का क्या अर्थ होता है, बेटा। उठो लाल अब आंखें खोलो, कि उठो बेटा अब अपनी आंखें खोलो, यानी सवेरा हो गया है, प्रातःकालीन हो गई है। पानी लाई हूँ मुँह धो लो, कि मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आई हूँ, तुम अपना मुँह धो लो। बीती रात कमल दल फूले, कमल दल यानी कमल की कलियाँ या पत्ते। बीती रात कमल दल फूले, यानी जो रात बीत चुकी है, चली गई है, अब सुबह आ गई, तो इसका मतलब रात बीत चुकी है। तो जो रात बीत चुकी है उस रात को जो कमल की कलियां या पत्ते फूले यानी खिल गए थे, उनके ऊपर भौरे झूले। जो कमल बीती रात खिल गए थे, ठीक है, उनके ऊपर भौरे झूले, कि अब सुबह होने पर उनके ऊपर भंवरे झूला ले रहे हैं या उनके ऊपर घूम रहे हैं। फिर आगे है, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर। नभ में न्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई। भोर हुआ सूरज उग आया, जल में पड़ी सुनहरी छाया। कि पहले पैराग्राफ में क्या बता रही है माता, अपने बेटे को बोल रही है कि पुत्र उठ जाओ, बेटा उठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए पानी लाई हूँ, उससे अपना तुम मुँह धो लो। और जो रात बीत चुकी है, जब कमल की कलियाँ खिली थी, उनके ऊपर भंवरे झूल रहे हैं। इतना बताने के बाद आगे बता रहे हैं कि चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर। चहक यानी चिड़िया की आवाज़, चहकना चिड़िया की आवाज़, मतलब जब सुबह होती है तो पेड़ों पर चिड़ियाँ चीं चीं ऐसे करती है ना, तो उस आवाज़ को चहक उठना यानी चिड़िया की आवाज़ बोलते हैं। चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, यानी कि सुबह हो गई है, जो चिड़ियाँ हैं वो पेड़ों पर चहकने लग गई हैं या अपनी मधुर मधुर ध्वनि हमें सुनाने लग गई हैं। बहने लगी हवा अति सुंदर, अति यानी बहुत। जब सुबह होती है तो हम लोगों ने देखा है ना, ठंडी ठंडी हवा चलती है ना, तो बोल रही है कि बेटा उठ जाओ, चिड़ियाँ पेड़ों पर चहकने लगी है और हवा है जो बहुत ही सुंदर, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। नभ में न्यारी लाली छाई, यानी नभ में आसमान में न्यारी यानी अनोखी लाली छा गई है। धरती ने प्यारी छवि पाई, यानी धरती ने छवि यानी सुंदर मूरत, यानी धरती ने अनोखी सुंदर छवि प्राप्त कर ली है। भोर हुआ सूरज उग आया, जल में पड़ी सुनहरी छाया। कि भोर यानी भोर का क्या अर्थ होता है, प्रातःकालीन, ठीक है। भोर यानी सवेरा हो गया है, प्रातःकाल हो गया है। भोर हुआ सूरज उगाया, सुबह हो गई, सवेरा हो गया, सूरज उग आया है। जल में पड़ी सुनहरी छाया, कि जब सूर्य उदय होता है तो उसकी जो छाया है या उसकी जो किरणें हैं, जल यानी पानी, पानी में पड़ रही हैं, तो वह सुनहरी, सुनहरी यानी गोल्डन कलर की होती हैं, जो तांबे के कलर की होगी, गोल्डन सुनहरी छाया यानी परछाई।
कि सुबह होने पर जब सूरज उगता है उसकी किरणों की या उसकी समय की परछाई जो जल में पड़ रही है वह सुनहरी लग रही है, सुंदर लग रही है। आपने देखा है कि जब सूर्य उदय होता है या कहीं पानी पे उसकी परछाई या छाया जाती है तो वह कैसी लगती है, हमें सुनहरे कलर की लगती है ना। तो वो भी ऐसी बोल रही है कि बेटा उठ जाओ, चिड़िया पेड़ों पर चहकने लगी है, हवा ठंडी ठंडी या सुंदर हवा चल रही है। नभ में जब सूर्य उदय होता है तो आसमान में रेड कलर का हो जाता है ना, लाल रंग का, तो लाली छा जाती है, तो नभ में आसमान में न्यारी लाली छा गई है। और धरती की क्या हो गई है, सुंदर हो गई है, उसकी मूरत या उसकी छवि सुंदर हो गई है, क्योंकि सुबह होने पर धरती पर सभी विचरण करने लगते हैं तो वो सुंदर लगती है। भोर हुआ जब सुबह हो जाती है तो सूरज आता है, और सूरज की जो परछाई है जल में पड़ने पर वो क्यों क्या लगती है, सुनहरी कलर की लगती है। ऐसा सुंदर समय न खाओ मेरे प्यारे अब मत सो, कि हे पुत्र ऐसा सुंदर समय कि चिड़िया चहक रही है, हवा बह रही है, कमल के पत्तों पर भंवरे खेल रहे हैं, सूरज उगाया है, जल में उसकी छाया पड़ रही है, तो ऐसा सुंदर समय तुम्हें खोना नहीं चाहिए। खो यानी गवाना, यानी तुम सोए रहोगे तो सूरज उगाएगा, तो ऐसा समय तुम खो दोगे, जो सुबह का प्रातकालीन का जो समय है वो तुम गवा दोगे। तो मेरे प्यारे अब मत सो, कि हे पुत्र हे मेरे प्रिय पुत्र अब मत सो, सुबह हो गई है। इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या संदेश देना चाहता है कि हमें सुबह जल्दी उठ के प्रकृति के अनोखे नज़ारे का आनंद लेना चाहिए। ठीक है, तो इसके शब्दार्थ आप अपनी नोटबुक में करोगे, शब्दार्थ लिखने के बाद सही विकल्प वाले ऑप्शन अपनी नोटबुक में करोगे। ठीक है।